हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द एग्जाम कंडक्टेड यस्टरडे। थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में, प्रॉपरली पीडीएफ फॉर्म में। मुझे कई एस्पायरेंट्स ने क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए हैं जिससे कि मुझे काफी आसानी हो गई है एनालिसिस करने में। थैंक्स अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड अ ग्रेट गुड लक फॉर दी रिजल्ट्स। चलिए बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। 71 और 72 काफी सिंपल क्वेश्चंस थे। विच लेटर इज साइलेंट इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड द आंसर इज आंसर ऑफ 71st इज पी। प साइलेंट है। हम स से प्रोनाउंसिएशन शुरू करते हैं। स्यूडो सॉलेम, यहाँ की प्रोनाउंसिएशन रहती है सॉलेम और न का प्रोनाउंसिएशन में रोल नहीं है। सिलेबल्स क्या है और कैसे इनको प्रोनाउंस करना है, कैसे काउंट करना है, वो हम अभी नहीं सीखेंगे। अभी हम आंसर्स की बेसिकली ज़्यादा डिस्कस करें। सिलेबस के लिए मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट के बारे में पूछिए कमेंट्स में, आई प्रोवाइड यू द लिंक। लार्ज, यहाँ पर है वन सिंगल सिलेबल। मीडियम, बिल्कुल ठीक लिखा है इस पर्सन ने, मी डी एम, टोटल 3 सिलेबल्स। एंड जाइगेंटिक, 3, जाय जाय गैन एंड टेक। फ्लो के हिसाब से डिपेंड करते हैं सिलेबल्स के काउंट, लेकिन किस तरीके से, उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, बहुत बेसिक, हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन गो फॉर दोज वीडियोस और आप आराम से समझ जाएंगे। तो ऑप्शन ए, सी एंड सी। क्वेश्चन 76, हाउ कैन द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स बी क्लासिफाइड। आई विल गो फॉर ट्रेजेडी। एक ट्रेजिक हीरो के सभी फीचर्स, कथासिस, हमर्शिया, पेरिपटाया, एनग्नोरिसिस, उन सभी फीचर्स को डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले फुलफिल करता है। इन विच ईयर डिड द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स प्रीमियर। एंड द आंसर इज 1592। विच यूनिवर्सिटी डिड डॉक्टर फॉस्टर्स गो टू। आंसर इज विटनबर्ग। हु अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज ल्यूसिफर सर्वेंट बिफोर डॉक्टर फॉस्टर्स। द इजी क्वेश्चन, मेफिस्टोफेलिस इज द राइट आंसर। क्रिस्टोफर मार्लो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ग्रुप का पार्ट थे जहाँ पर सभी स्कॉलर्स थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, और उस ग्रुप का पार्ट नाम था यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस आर एसोसिएटेड विद द बुक द ओल्ड मैन एंड द सी। एंड द राइट आंसर इज नोबेल एंड बुकर। पुलिट्जर प्राइज 1953 एंड नोबेल प्राइज 1954। ऑल दो नोबेल प्राइज किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं दिया जाता, इट इज काइंड ऑफ अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और सबसे अच्छी अचीवमेंट ही शायद हमारे राइटर की थी ये किताब, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इसी की वजह से उन्हें मिला 1954 में। वॉट इज द प्रोफेशन ऑफ सेंटियागो, एंड दैट इज फिशरमैन द राइट आंसर। वॉट डज सेंटियागो ड्रीम ऑफ एट द एंड ऑफ द नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी। एंड द राइट आंसर इज लॉयंस। मैं बहुत बार आपके साथ ये सभी क्वेश्चंस कवर कर चुकी हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। एंड द राइट आंसर इज फेयरवेल टू आर्म्स। यूलिसिस जेम्स जॉयस का है, स्कारलेट लेटर नथेनियल हॉथन का है, एंड मॉबी डिक वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ अ रिवेंज नॉवेल रिटन बाय हर्मन मेलविल। अर्नेस्ट हेमिंगवे की नेशनैलिटी है अमेरिकन। पार एंड द ग्लोरी 1940 का नॉवेल है, और 1947 में इट वॉज अडेप्टेड इन टू अ मूवी ऑल्सो। उसके बारे में भी मैंने बात की थी जब मैंने आपको वीडियो कवर करवाया था। फ्यूजिटिव इज द नेम ऑफ द मूवी। पार एंड द ग्लोरी इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, और ये क्वेश्चन और ये डिस्कशन भी बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। टबेस्को, नेम ऑफ मारियाज डॉटर इन द नॉवल पावर एंड द ग्लोरी। एंड द आंसर इज ब्रिजीटा। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इज एन अडेप्टेशन ऑफ द नॉवल द पावर एंड द ग्लोरी। मैं आपको कहती हूँ ना, अपने आंख कान सब खुले रखने चाहिए आपको जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं। कहीं से भी कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। फ्यूजिटिव इज द राइट आंसर हियर। हु इज द प्रीस्ट इन द पावर एंड द ग्लोरी टॉकिंग टू व्हेन ही मिसेस हिज बोट। ये बिल्कुल इनिशियल सीन है। एंड मिस्टर ट्रेंच द डेंटिस्ट, दैट इज द राइट आंसर। फास्टिंग फीस्टिंग इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज एंड इंडिया एंड यूएसए। परफेक्ट राइट आंसर ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स फ्रॉम फास्टिंग फीस्टिंग इज अ रिलीजियस वेमेन हु इज ऑफन फाउंड टेलिंग द टेल्स ऑफ हिंदू गॉड कृष्णा। कृष्णा के साथ साथ इवन शिवा, लॉर्ड शिवा। मीरा, आंट मीरा। रिलीजियस, मीरा मासी हु टेल्स उमा ऑल द टेल्स ऑफ कृष्णा एंड टेक्स इवन टू द आश्रम अलोइंग हर आई से टू एस्केप
द स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट एट हर प्लेस, घर की स्ट्रिक्टनेस से दूर थोड़ी दूर उन्हें ले जाने में मीरा मासी सक्सेसफुल होती हैं। क्वेश्चन 93, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस वॉज फास्टिंग फीस्टिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर, एंड द आंसर इज बुकर प्राइज। तीन बार शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है अनीता देसाई जी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिटन बाय अनीता देसाई, यहाँ पर जिस आंसर पर टिक किया गया है दैट इज बाय अनीता देसाईज डॉटर किरण देसाई। पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बाय चित्रा बेनर्जी देवाकरुणी, दैट लॉन्ग साइलेंस बाय शशि देश पांडे, सभी राइटर्स लगभग एक ही तरीके का लिखती हैं, मे बी दैट वॉज द रीजन फॉर कन्फ्यूजन। क्राई द पीकॉक हियर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द सोशल इशूज इज मोस्ट सेंट्रल टू द नॉवल फास्टिंग फीसटिंग, और नो डाउट जेंडर इक्वालिटी, बहुत ज्यादा बात की गई है जेंडर इक्वालिटी की, इन इक्वालिटी की यहाँ पर। वॉट इज द नेम ऑफ द स्ट्रीट ऑन विच रामन लिव्स, ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार करवाया आपको, एलिमेंट स्ट्रीट, बहुत बार अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे MCQ PDFs में एंड ऑल दैट, और बहुत बार यू नो वीडियोज की फॉर्म में भी करवाया है, तो ये तो कोई नहीं भूल सकता। वॉट काइंड ऑफ कैंपेन्स इज डेजी वर्किंग विद द पेंटर ऑफ विद इन द पेंटर ऑफ द साइंस, ये भी बहुत सेंट्रल बहुत बेसिक फैक्ट है इस नॉवेल का। फैमिली प्लानिंग इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कोइंसाइड्स विद पब्लिकेशन ऑफ द पेंटर ऑफ साइंस। पेंटर ऑफ साइंस 1976 का नॉवल है और उस टाइम पर इमरजेंसी पीरियड वॉज गोइंग ऑन इन इंडिया। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। इमरजेंसी 1975 में शुरू हुआ था, इम्पोज्ड बाय द एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। वुड यू आइडेंटिफाई द एंडिंग ऑफ द पेंटर ऑफ साइंस एज अ कन्वेंशनल हैप्पी एंडिंग, ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन लगा। वॉट इज द नीड ऑफ गिविंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओनली टू ऑप्शन शुड नॉट बी देयर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कन्वेंशनल हैप्पी एंडिंग तो नहीं है। हैप्पी एंडिंग में रीयूनियन होती है हीरो और हीरोइन की, जनरली कन्वेंशनल वे की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर नहीं है, तो नो इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्थोडॉक्सी इन द नॉवेल पेंटर ऑफ साइंस। रामन की एक आंट थी जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्सिकल हैं, बहुत रिलीजियस हैं, सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्सी का अगर रिप्रेजेंटेशन किसी को बोला जाएगा तो वो रामन की इन आंट को बोला जाएगा। वेरी ब्यूटिफुल नॉवेल रिटन बाय R.K. नारायण जी। तो यहाँ पर हो गया है हमारा ये एनालिसिस ओवर। आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ अपने भी कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स मुझे प्रोवाइड करेंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ज़रूर करिएगा। आई वांट टू नो कि आपके कितने आंसर सही हुए, या कोई भी किसी भी और तरीके की कोई क्वेरी है। जितना आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे ना उतना हमें समझ में आएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कितने मार्क्स आपके आए हैं, वो सब कुछ मेरे साथ डिस्कस करिए इन द कॉमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। And again, a great good luck for your results. Please do not forget to share and subscribe the channel.